को बढ़ाना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ज्यादातर हिस्सों को लागू कर रहे हैं। जो कांग्रेस के कालखंड में 10 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट टेबल के नीचे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी की टेबल के नीचे पड़ी रही, कभी हस्ताक्षर नहीं किए। नीयत की बात होती है, कांग्रेस की नीयत कभी नहीं रही गांव गरीब और किसान की उन्नति की। गरीब परिवार का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से उसके मन में गरीबों के लिए कुछ करने का होता है। तो किसान के लिए फसल बीमा हो, चाहे उनके सॉइल हेल्थ कार्ड देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे कुसुम योजना के अंतर्गत अन्नदाता से ऊर्जादाता का बनने की बात हो, चाहे MSP को बढ़ाने की बात हो, तो निरंतर मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से न कभी किसी व्यापारी का न किसी उद्योगपति के कर्जे माफ किए, ये भ्रम और अफवाह का वातावरण पैदा किया जाता है। व्यापारी देश की आजादी के बाद कभी जिनका नाम टाटा होता था, कभी बिड़ला भी होता था, कभी कोई अंबानी भी होता है, कोई अडानी भी होता है, कोई और भी होता है, उद्योग के लोग भी अगर उद्योग उनके फेल होंगे तो हमारा नौजवान जो रोजगार उद्योगों के क्षेत्र में प्राप्त करता है वो भी एक माध्यम है। कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि उन्होंने गिनती की मूर्ति आप ही के जालौर में गिनी, जहां तक मुझे याद है जालौर के अंदर ही हमारे जो सहजादे हैं युवराज हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा था अपना गिनती बोली थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन होंगे कर्जे माफ होंगे। अब उसमें यह नहीं कहा जाता था कि मेरी कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे में माफ करूंगा, बाकी के कर्जे माफ नहीं करूंगा। कर्जे माफ प्रदेश की सरकार करती है और प्रदेश की सरकार ने कर्जे माफी का जो वायदा किया था वो निभाया है और आने वाले समय में किसान इसका बदला लेगा। जनता के जनमानस में पूरी तरह से उतर गए हैं। अशोक गहलोत जी के प्रति जनता में कोई प्रेम नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं कि वो राहत कैंप लगा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, राहत कैंप सरकार अपना लगाए, अच्छी बात है, राहत कैंप लगाने में कोई कठिनाई नहीं है, लोगों की सरकार बनती इसी काम के लिए वो कैंप लगाए। लेकिन मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, मोदी जी ने जो बार बार किसान के लिए किया है, वो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। आप एक कोई कांग्रेसियों से पूछ लीजिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केवल किसान क्रेडिट कार्ड दिया था, उस समय काफी याद KCC का कार्ड, वो भी बीजेपी की सरकार ने दिया। तो आज तक कांग्रेस कभी कोई भी काम किसान के हित का नहीं कर पाए, किसान के कर्जे माफी का भी काम नहीं कर पाए। तो वायदा तो प्रदेश की सरकार ने किया था, उसको निभाना चाहिए। केंद्र की सरकार तो जो कहती है उसे करती है। एक प्रश्न में बोल रहा हूँ, आपने किया था अभी, आपने कुछ और बोला था इसके ऊपर की कोई बात ही नहीं है। जी यही खूबसूरती है, राजस्थान का चुनाव क्या कर्नाटक और हुई है, कभी जीत भी होती है कभी हार भी होती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता ने मन बनाया हुआ है, उन्हें ये भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चाहिए, उन्हें पेपर आउट करने वालों की सरकार नहीं चाहिए, उन्हें बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चाहिए, उन्हें किसानों के साथ धोखा देने वाली सरकार नहीं चाहिए, उनको नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने करौली में और अन्य जगह पर जिस प्रकार के दंगे और जो गुंडों को संरक्षण देने का काम किया, जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, गहलोत की सरकार जाएगी और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार विधानसभा के चुनाव में जीत कर आएगी और लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा पिछली बार जैसे राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट हमारी आई थी, इस बार की 25-25 सीट अपना अलग महत्व होता है। जब राज्य के चुनाव होते हैं उनका अलग महत्व होता है, जब केंद्र के चुनाव होते हैं उनका भी अलग महत्व होता है। तो कर्नाटक का एक अलग टाइप का चुनाव था, गुजरात में देखा आपने वो एक अलग टाइप का चुनाव था, और राजस्थान का भी जो चुनाव है आप देखिएगा, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, अलग से भी लोगों से बात करते हैं, हमारे पास भी लोग प्रदेश भर से आते हैं। एक वातावरण जो जनाक्रोश रैलियों में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो की, वाकई में जनता में आक्रोश है राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ। और मैं आज भी कहूंगा कि उन 3 कानूनों को कहीं ना कहीं किसान संगठनों के लोगों ने समझने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स जो फार्मर सेक्टर में होना था, जो कृषि के क्षेत्र में होना था, जिसकी आवश्यकता थी, उसे करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। मैं आज भी कहूंगा वो कानून कभी काले नहीं थे, वो कानून बहुत अच्छे थे। लेकिन उस समय का जो वातावरण बना दिया गया, पंजाब के अंदर का जिस तरह माहौल पैदा किया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है आप नहीं चाहते हैं तो ये कानून वापस लेता हूं। तो किसान के हित में प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनकी नीयत गंगा की तरह स्पष्ट है।
गंगा की तरफ पवित्र है। वो 125 करोड़ देशवासी और 140 करोड़ देशवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, सभी वर्गों के लिए। प्रधानमंत्री जी दिन रात चिंतन भी करते हैं और कार्य उनके हित में लाकर उनका क्रियान्वयन करते हैं। 2024 आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार, जिस प्रकार पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, उसी प्रकार से राजस्थान में भी हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनाने के बाद राजस्थान की जनता को जो उनका हक और अधिकार है वो देने का काम किया जाए। अभी महासंपर्क अभियान में हमारे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी संयुक्त मोर्चे का आज कार्यक्रम हुआ, अभी सोशल मीडिया के लोगों के साथ भी बातचीत हुई है, एक जनसभा भी हमारी होगी, व्यापारियों के सम्मेलन और घर घर जाकर संपर्क का अभियान जो 9 वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्तंभ जो बनाया है, एक मील के पत्थर जो उन्होंने तैयार किए हैं देश के कार्य के लिए, तो इसके लिए निरंतर 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलने वाला है।